तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं। एक ऐसी अभिनेत्री जिनके हसीन मासूम चेहरे को देख युवाओं के दिल से बस यही आवाज निकली। जिन्होंने बेहद कम उम्र में ही एकता कपूर के टीवी शो से अपने करियर की शुरुआत की और देखते ही देखते घर घर में मशहूर हो गईं। हाँ दक्षिण, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा करके क्या मिला? फिर बड़े पर्दे पर भी शानदार आगाज किया और अपनी एक्टिंग, खूबसूरती और क्यूटनेस से सबका दिल जीत लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड होने के बावजूद इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया और इन पर कभी अपने मेंटोर तो कभी अपने गॉडफादर को ही डिच करने के आरोप लगे? तुम जानते हो ना भैया को, अगर उन्हें सच्चाई का पता चला तुम लोगों को अखाड़े में ले जाकर फोड़ दें। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिद्धांतों और मोरल वैल्यूज की बात करने वाली ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के एक टॉप मोस्ट डायरेक्टर के साथ सालों लिव इन रिलेशनशिप में रही और सबकी आलोचनाओं का शिकार हुई? मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, यूं ही दुनिया में जाकर शोर मचा दे। तो कौन है ये एक्ट्रेस और फिल्में ना मिलने पर इन्होंने किसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ अपनी भड़ास निकाल ली? बताएंगे इनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं छोटे पर्दे से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री प्राची देसाई की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और ग्लैमरस अंदाज से खूब जलवे बिखेरे। जैसे उनकी सारी की सारी मैं। 12 सितंबर 1988 को गुजरात के सूरत में जन्मी प्राची ने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई के दौरान 18 दिनों का एक एक्टिंग वर्कशॉप अटेंड किया था। इसी दौरान महज 17 साल की उम्र में प्राची को बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑडिशन का पता चला। प्राची ने ऑडिशन में खुद को आजमाया और इनका सिलेक्शन हो गया। बताया जाता है कि 12th की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए प्राची को पुणे जाना था। हालांकि बालाजी टेलीफिल्म्स से प्राची को इतना तगड़ा ऑफर मिला कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और सीरियल में काम करने मुंबई आ गई। मुझे किसी बात की चिंता नहीं। एकता कपूर डायरेक्टेड इस टीवी शो कसम से में प्राची ने टीवी एक्टर राम कपूर के साथ काम किया और इस सीरियल में दोनों की केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। गौरी डांडेकर, स्टाइलिस्ट एंड पार्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन। सालों तक टीआरपी चार्ट पर राज करने वाले इस शो ने प्राची को खूब शोहरत दिलाई। 3 साल बाद जब ये शो खत्म हुआ तो प्राची के पास दूसरे ऑफर्स की बाढ़ आ गई। फिर प्राची ने डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा 2 में हिस्सा लिया। हालांकि प्राची शो में ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी और बाहर हो गईं। लेकिन फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए इन्हें शो में वापस ले लिया गया और आखिरकार ये उस शो का विनर भी रही। फैंटास्टिक। जानकारों की माने तो प्राची अपने पहले सीरियल कसम से के बाद एकता कपूर की फेवरेट बन चुकी थी। किसी भी पार्टी या इवेंट में दोनों साथ ही नजर आते थे और झलक दिखला जा 2 में इनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी एकता कपूर की सिफारिश पर ही हुई थी और फिर इन्होंने उस शो को जीत भी लिया। इसके बाद साल 2008 में प्राची को फरहान अख्तर के ऑपोजिट अपनी पहली फिल्म रॉक ऑन में काम करने का मौका मिला। अजीब दास्ता है ये। बताया जाता है कि फिल्म रॉक ऑन के डायरेक्टर अभिषेक कपूर एकता कपूर के कजिन रहे और एकता के कहने पर ही प्राची को ये फिल्म ऑफर हुई थी। जानकारों की माने तो एकता कपूर ने प्राची को जैसे इनके पहले सीरियल कसम से के लिए ग्रूम और ट्रेन किया था, एक बार फिर इनकी डेब्यू फिल्म के लिए भी एकता ने ही इन्हें ट्रेनिंग दी थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एवरेज से ज्यादा कमाई की और इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ ही प्राची की सीरियस एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। सच में कमाल का नाटक करते हो तुम लोग। इसके बाद साल 2009 में प्राची को मल्टी स्टारर फिल्म लाइफ पार्टनर में काम करने का मौका मिला। फिल्म ने एवरेज कमाई की लेकिन तुषार कपूर के ऑपोजिट प्राची के रोल को पसंद किया गया। एक बात बताना भावेश, तुम यहाँ पहले किसी के साथ आकर रह चुके हो क्या? फिर साल 2010 में प्राची देसाई को एकता कपूर के होम प्रोडक्शन मल्टी स्टारर फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट रही और रेट्रो लुक में नजर आई प्राची ने इस फिल्म से खूब लोकप्रियता हासिल की। इसमें प्राची और इमरान हाशमी की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया।
एक बात पूछें, बनाओगे तो नहीं? पूछो। वो हार वाली बात दोबारा नहीं होगी ना? इसके बाद साल 2012 में प्राची को रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म बोल बच्चन में काम करने का मौका मिला। ये भी एक मल्टी स्टारर फिल्म रही जिसमें इन्हें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और आसिन के साथ काम करने का मौका मिला। एक मिनट भैया, बर्थडे किसका है? थारा। गिफ्ट किसकी है? थारी। तो फिर गाड़ी ये क्यों चलाएगा? कहा जाता है कि रोहित शेट्टी की फिल्मों के सेट पर अक्सर मजाक मस्ती का माहौल रहता है और कोई भी नया एक्टर आता है तो उसे रोहित शेट्टी के प्रैंक टेस्ट को पास करना होता है। प्राची के साथ भी रोहित प्रैंक्स करते रहे और प्राची हर बार इनोसेंटली रोहित के प्रैंक टेस्ट को पास करती चली गईं। बताया जाता है कि इसी दौरान रोहित और प्राची करीब आ गए और फिर दोनों शॉपिंग और डिनर पर भी साथ स्पॉट किए जाने लगे। जानकारों की माने तो उस वक्त रोहित शेट्टी और उनकी पत्नी के बीच रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। ऐसे में उन्हें प्राची का साथ मिला और वो इन्हें कंधा बना बैठे। मीडिया ने दावा किया कि बोल बच्चन फिल्म की शूटिंग खत्म कर प्राची राजस्थान से जब मुंबई लौटी तो रोहित भी प्राची के साथ ही शिफ्ट हो गए और दोनों लिव इन में रहने लगे। कहा जाता है कि प्राची को लगने लगा कि रोहित शेट्टी के रूप में अब उन्हें एक गॉड फादर मिल गया है और इसी वजह से प्राची की पुरानी मेंटोर एकता कपूर के साथ अब इनकी दूरियां बढ़ने लगी। प्राची के रोहित शेट्टी के कैंप में जाने के बाद ये दूरी इस कदर बढ़ गई कि जब एकता कपूर ने अपनी फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की कास्टिंग फाइनल की तो उसमें प्राची का नाम तक नहीं था। फिर मीडिया में प्राची और एकता की लड़ाई की खबरें भी तूल पकड़ने लगी। जानकारों की माने तो रोहित शेट्टी को उनके नाम पर हो रही ये लड़ाई नागवार गुजरी जिसके बाद रोहित ने बीच बचाव करते हुए प्राची और एकता का पैचअप भी करवाया। हालांकि लोगों का ये मानना था कि प्राची के पैचअप की असल वजह ये रही कि एकता कपूर से अलग होने के बाद इनका करियर ग्राफ काफी तेजी से नीचे गिर रहा था और बोल बच्चन के बाद आई साल 2013 की इनकी दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी। ये फिल्म रही आई मी और मैं और पुलिस गिरी। इसी बीच प्राची देसाई और रोहित शेट्टी के ब्रेकअप की खबरें भी आने लगी। कहा गया कि दोनों के परिवार वालों को ये नाजायज रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक तरफ रोहित की पत्नी उन्हें तलाक देने के लिए राजी नहीं थी तो वहीं प्राची को भी ये बात समझ में आ गई थी कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं होने वाला है और रोहित इनसे शादी नहीं करने वाले हैं। बताया जाता है कि रोहित शेट्टी के माध्यम से प्राची को जो फिल्में ऑफर की गई थीं, इस ब्रेकअप की खबर के बाद उन फिल्मों से भी प्राची को रिप्लेस कर दिया गया और प्राची गोल घूमकर एक बार फिर वहीं आ गईं जहां से इन्होंने शुरुआत की थी, यानी कि एकता कपूर की शरण में। एकता कपूर ने एक बार फिर प्राची की मदद की और अपने होम प्रोडक्शन में बन रही फिल्म एक विलन में इन्हें आइटम नंबर ऑफर किया। बताया जाता है कि प्राची के स्टीरियोटाइप इमेज को चेंज करने के लिए एकता कपूर ने इन्हें एक बार फिर से ग्रूम किया और इस बार हॉट अंदाज में पेश किया। तेरे इश्क में हुई आवारी मैं। धीरे धीरे प्राची देसाई की अपीयरेंस में काफी चेंजेस आने लगे। ये पहले गर्ल नेक्स्ट डोर दिखती थी लेकिन अब हॉट बेब नजर आने लगी। ये काफी बोल्ड फोटोशूट्स कर रही थी और काफी बोल्ड कपड़े भी पहनने लगी थी। इसी दौरान कहा गया कि प्राची देसाई ने लिप जॉब और बॉडी में कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी भी करवाई है, यानी खुद को सुंदर और सेक्सी दिखाने के लिए ये बदलाव कर रही थी। लेकिन प्राची देसाई इन सभी बातों को नकारती रही और इन्हें रूमर बताया। इसके बाद प्राची को एक बार फिर साल 2016 में एकता कपूर की फिल्म अजहर में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। एक तुम एक मैं तीजा मांगू क्या खुदा से। इसी साल इन्हें फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल रॉक ऑन 2 में भी देखा गया लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को एंटरटेन करने में असफल रही। साल 2016 के बाद प्राची किसी टीवी शो या बड़े पर्दे पर नजर नहीं आई। साल 2017 में इन्हें एक शॉर्ट फिल्म कार्बन में देखा गया जिसे YouTube पर रिलीज किया गया था। बंदूक तुम्हारे हाथ में है, पहले तुम पूछो। फिर इन्हें साल 2021 में OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज हुई फिल्म साइलेंस और साल 2022 में इसी प्लेटफॉर्म पर आई फिल्म फॉरेंसिक में देखा गया। इनकी अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो साल 2023 में प्राची को
OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली फिल्म कोशा और साइलेंस 2 में भी देखा जा सकता है। वहीं प्राची देसाई ने कुछ दिन पहले एक मीडिया इंटरव्यू देकर तहलका मचा दिया, जिसमें इन्होंने इंडस्ट्री पर खूब भड़ास निकाली। इस इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि नेपोटिज्म की वजह से मुझे काम नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे रोल तो स्टार किड्स ले जाते हैं। स्टार किड्स को भर भर कर फिल्में ऑफर होती हैं, फ्लॉप हो या हिट उन्हें काम मिलता रहता है, पर बाहरी लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। अगर एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो उन्हें अगली फिल्म के लिए ऑफर नहीं आता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में प्राची देसाई को नेपोटिज्म की वजह से काम नहीं मिल रहा, या फिर प्राची खुद अपने प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस को बैलेंस नहीं कर सकी, जिस वजह से इनके करियर का डाउनफॉल हो गया, या फिर कोई और वजह रही? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कर लेंगे ना, आप टेंशन मत लो। और सुनो, नीचे मत देखो। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।